हाँ निया, क्या कर रही हो? लिस्ट बना रही हूँ। किस चीज की? मम्मा स्कूल खोलने वाले, हमें स्टेशनरी लेनी है, कोर्स लेना है, लंच बॉक्स लेना है, बॉटल लेना है, यूनिफॉर्म लेना है, शूज लेने हैं, सॉक्स लेने हैं, बहुत सारी चीजें लेनी है। अभी चल के मजा भी आएगा। और बैग नहीं लेना? बैग तो फर्स्ट प्रायोरिटी में लेना है। अच्छा, और बुला लो ईशा ने मुस्कुरा को, फिर चले रेडी हो रहे हैं बाहर जाने के लिए। ओके। स्टडी पैक, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी इतनी सारी, थर्मोस, लंच बॉक्स। वाह माशाल्लाह, तुम लोगों ने अपना सब सामान ले लिया। दिखाओ दिखाओ ईशु, अपना कोर्स दिखाओ। ये देखा। आओ
इस पे तो हानिया तुफैल लिखा है, ये तो तुम्हारी बुक्स नहीं है, ये तो हानिया का पुराना कोर्स लग रहा है। तुम्हारा न्यू कोर्स कहाँ है? मैंने सोचा हानापी का कोर्स ऐसे रखा हुआ था, मेरी कुछ बुक शॉर्ट थी तो मैं ये यूज कर लूँ। अच्छा, ये तो मम्मा पापा की हेल्प भी हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम पुराना कोर्स लेके भी हैप्पी हो। मगर हानिया तुम क्यों अनहैप्पी हो? दिखाओ अपना कोर्स। ये देखिए, तुम्हारी तो सारी किताबें न्यू लग रही हैं, फिर तुम इतना अनहैप्पी क्यों हो? काश मेरा कोई बड़ा बहन भाई होता, हालत फिर मैं भी मम्मा पापा की हेल्प कर सकती, अपने कोर्स अपना नया कोर्स ना लेके रीयूज कर सकती अपने बड़े बहन भाई का कोर्स, मगर मेरा तो कोई बड़ा बहन भाई ही नहीं है। ओ आइडिया, मैंने अभी तक अपने न्यू शूज नहीं लिए और जो पिछले साल के शूज हैं वो मुझे अभी तक आते हैं, तो मैं उन्हें रीयूज करके मम्मा पापा की हेल्प कर सकती हूँ। अरे हाँ, मेरे शूज भी मुझे आते हैं। हाँ, ऐसे हम दोनों हेल्प कर सकते हैं मम्मा पापा की। खाला, मैं भी इस बार तुझे पुराने शूज पहनूंगा। मुस्तफा, वो तो गर्ल शूज है, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। मैं आपके तीज और बस के बारे में बात करता हूँ। जी हाँ, मेरा भाई समझदार है। सो फ्रेंड्स, हमारे मम्मा पापा हमारी ज़रूरतों के साथ साथ हमारी ख्वाहिशें भी पूरी करते हैं, तो हमें भी उनका ख्याल करना चाहिए। तो हम उनका ख्याल ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग अपनी पुरानी बुक्स यूज कर लें, आपके जो बड़े बहन भाई हैं उनके रीयूज कर लें, और आप लोग ज़्यादा फैंसी ना स्टेशनरी में ना लगे, ओनली नॉर्मल स्टेशनरी यूज करें, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें बाय करें, ज़्यादा फैंसी चीज़ों में ना पड़े, स्टडीज पे फोकस करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बर्थडे और स्कूल।